नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर रविवार को तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें 9000 से ज्यादा अतिथि शामिल होंगे। सार्क देशों के शीर्ष नेता भी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विशेष अतिथि के तौर पर आएंगे और इस लिहाज से दिल्ली को अभेद्य किले के तौर पर तब्दील किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में रविवार को यह भव्य कार्यक्रम होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रही है ताकि राष्ट्रपति भवन में 9000 से ज्यादा अतिथि पूरी तरह सुरक्षित रहें और इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्रपति भवन के आसपास अर्धसैनिक बल, NSG कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर की 5 कंपनियों को तैनात किया जाएगा और राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा जा रहा है। जिन होटल में ये जो सार्क देशों के शीर्ष नेता आएंगे वहां के आसपास भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और होटल से लेकर कार्यक्रम स्थल तक उनको बाकायदा एक स्पेशल रूट दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी द्वारका DCP और साउथ वेस्ट DCP और IGI एयरपोर्ट DCP के हवाले की गई है। जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा हैं, उन्होंने बाकायदा एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें ज्वाइंट CP और कई DCPs को बुलाया गया और एक बार फिर सुरक्षा के बारे में पूरा पुख्ता इंतजाम के ऊपर चर्चा की गई है ताकि रविवार को सुरक्षा रहे और इसी लिहाज से 3 लेयर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। पहले लेयर में दिल्ली पुलिस के जो जवान होंगे वो आउटर लेयर में तैनात होंगे, उसके बाद अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की जाएगी और सबसे इंटरनल लेयर पर राष्ट्रपति भवन की आंतरिक सुरक्षा होगी। कुल 5 कंपनी अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के तकरीबन 25,000 कर्मियों को कार्यक्रम स्थल यानी राष्ट्रपति भवन और आसपास के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही जो ड्रोन है उसका नई दिल्ली इलाके में कहीं भी इस्तेमाल कोई और नहीं कर पाएगा, पुलिस ड्रोन के जरिए नजर रखेगी। तमाम जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत हो जाती है शनिवार को दोपहर 12 बजे से ही। कार्यक्रम में आने के लिए जो सार्क देशों के शीर्ष नेता हैं उनका सिलसिला शुरू हो जाएगा। सेशल्स के जो शीर्ष नेता हैं वो आ रहे हैं, इसके अलावा बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त राष्ट्रपति भवन के बाहर भी पूरी तरीके से सुरक्षा को कड़ा किया जा रहा है। साथ ही 9 जून से कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं जिनमें पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, UAV, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून और पैरा जंपिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यानी कि दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इस राष्ट्रपति भवन में जब भव्य जलसा हो रहा होगा, भव्य समारोह हो रहा होगा, उस वक्त जो 9000 से ज्यादा जो VVIP गेस्ट, तमाम मुख्यमंत्री, भारत के तमाम जो शीर्ष नेता हैं, तमाम जो सांसद 543 चुने गए हैं वो और सार्क देशों के जो शीर्ष नेता हैं उन सहित जो 9000 VVIP गेस्ट रहेंगे वो पूरी तरीके से सुरक्षित हों, खासतौर से राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास का इलाका सुरक्षित हो, नई दिल्ली का पूरा इलाका सुरक्षित हो और जिन होटल्स में इन VVIPs को रुकवाया गया वहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस चीज़ को लेकर के बाकायदा कमिश्नर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और उसके बाद सुरक्षा का जायजा लिया और पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को 5 कंपनी जो अर्धसैनिक बल हैं उनके जरिए 3 लेयर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। NSG कमांडो को लगाया जा रहा है ताकि किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके की अप्रिय घटना इस दौरान ना होने पाए और दिल्ली में चप्पे चप्पे पर CCTV के जरिए नजर रखी जा रही है और दिल्ली को पूरी तरीके से अभेद्य किले के तौर पर इस ऐतिहासिक क्षणों के दौरान दिल्ली को तब्दील किया जा रहा है। कैमरामैन कपिल के साथ पुनीत शर्मा, TV9।